हरियाणा H9PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। पंचायत समिति खरगुदा के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन पद के लिए चुनाव को लेकर 24 दिसंबर को होगी पहली बैठक। खरगुदा SDM एवं खरगुदा पंचायत चुनाव की रिटर्निंग अधिकारी ज्योति मित्तल ने बताया कि पंचायत समिति खरगुदा की चेयरमैन व वाइस चेयरमैन पद के चुनाव को लेकर सभी पंचायत समिति के सदस्यों की पहली बैठक 24 दिसंबर को प्रातः 10 बजे ब्लॉक कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सभी पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहेंगे। खरगुदा में गोरट से वीट चेयरमैनी की दौड़ में है। शहर के सोनीपत मार्ग पर निर्माणधीन लघु सचिवालय में हरियाली को बढ़ावा दिया जाएगा और पहले से लगे पौधों को भी विशेष देखभाल की जाएगी, जिसे लेकर नायब तहसीलदार अशोक कुमार ने निर्माणधीन लघु सचिवालय का निरीक्षण करने के बाद प्रांगण में लगे पेड़ पौधों को देखने के बाद उनकी उचित देखभाल करने की बात कर्मचारियों को कही। उन्होंने कहा कि लघु सचिवालय में पहले से जो पौधे लगे हुए हैं उनकी विशेष देखभाल की जाए, पशुओं से बचाने के लिए टी गार्ड लगाने के साथ ही अन्य व्यवस्था करने के साथ ही समय पर पौधों की निराई कराने के साथ ही पानी दिया जाए ताकि पौधे सूखे ना। नायब तहसीलदार ने कहा कि जल्द ही प्रांगण में और पौधे भी लगाए जाएंगे, जिसमें लघु सचिवालय को आकर्षक बनाने वाले पौधों के साथ ही छांव देने वाले पौधे शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे जीवन का आधार हैं, इसलिए कर्मचारी को आदेश दिए हैं कि वे इस पर विशेष ध्यान दें। खांडे गांव में स्थित शंभू दयाल मेमोरियल स्कूल में एक विशेष स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 47 ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खरगुदा अमर सिटी हॉस्पिटल की डॉक्टर सरिता के नेतृत्व वाली टीम ने कैंप में आई ग्रामीणों की जाँच की। खांडे गांव में मुफ्त स्वास्थ्य जाँच कैंप किया गया, जिसमें फ्री परामर्श दिया गया व आवश्यक जाँच भी की गई। इस मौके पर डॉक्टर सरिता ने बताया कि इस तरह के कैंप हर सप्ताह अलग अलग गांव में आयोजित किए जाते हैं ताकि महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके और वे स्वस्थ रहते हुए आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम है, इसलिए 0 से 6 महीने के शिशु को केवल माँ का ही दूध पिलाना चाहिए और माता को शुद्ध एवं पौष्टिक आहार ही लेना चाहिए ताकि दूध पर्याप्त मात्रा में बनी जो शिशु के लिए पोषण युक्त रहे। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम माना गया है। माँ के दूध से ही बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक बनती है, इसलिए माँ के दूध को अमृत भी कहा गया है। ट्यूलिप हॉस्पिटल के तत्वाधान में इस तरह के शिविर लगाए जा रहे हैं। हरियाणा टेनिस वॉलीबॉल टीम का चयन। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हरियाणा टेनिस वॉलीबॉल टीम का चयन किया गया। अच्छे प्रदर्शन के आधार पर टीम का चयन किया गया है। हरियाणा टेनिस वॉलीबॉल के महासचिव प्रवेश राणा ने बताया कि आगामी 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक ओडिशा के पवादीप पोर्ट में 24वीं मिनी और यूथ नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। चयन प्रक्रिया में अध्यक्ष रविंदर सिंह, महासचिव प्रवेश राणा और तकनीकी समिति के चेयरमैन योगेश पिटियाई शामिल थे। लड़कों की टीम में पानीपत से अक्षित, तनिष्क, दीक्षु और रोहित, सोनीपत से हैप्पी, हर्ष, मनीष, हार्दिक, तुषार, उज्ज्वल, यश, ओम और रोहतक से प्रिंस का चयन किया गया। लड़कियों की टीम में पानीपत से तनु, मनु, तनिषा, रिया, सीनू, दीपांशी, प्रियंका, शीतल का चयन किया गया। लड़कों की टीम के कोच योगेश रहेंगे व लड़कियों की टीम की कोच कीर्ति और सुनैना रहेंगी। रोहना गांव में घर के बाहर रखा ट्यूबवेल का पंखा चोरी हो गया। किसान द्वारा मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। रोहना निवासी जयपाल का कहना है कि उसने अपने घर के बाहर ही ट्यूबवेल का एक पंखा रखा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा कि बाहर रखा ट्यूबवेल का पंखा नहीं है तो उसने आसपास भी तलाश किया। उसके बाद उसने मामले की शिकायत पुलिस को दी। शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, डिगेंट्रिक डिजीज ऑफ स्पाइन, सर्विकल एंड लुम्बर, कंजेंशनल हाइड्रोकैपलस, ब्रेन एंड स्पाइन ट्यूमर्स, लुम्बर एंड सर्विकल रेडियोक्लोपैथी, ब्रेन ट्रोमा, स्पाइन ट्रोमा, हेडेक, माइग्रेन, प्लीज कंसल्ट डॉक्टर सुमित दहिया, न्यूरोसर्जन। ओपीडी मंडे टू फ्राइडे एट 11 AM टू 2 PM, सैटरडे एट 8:30 AM टू 11 AM। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 7056511118199349491. खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।